देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमला कर इस लोकतंत्र पर हमला कर रही थी, इस मायने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम हनुमान जी का भी हमेशा धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से इतने बड़े षड्यंत्र का अंत हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई हुई है। और हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए, उनको धन्यवाद कहने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हनुमान मंदिर पर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी भी यहां पर आई थी और तब भी उन्होंने कहा था कि वो जल्द आएंगी, फिर से आएंगी, अरविंद जी के साथ आएंगी। और सभी दिल्ली वालों के लिए और सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि वो समय इतनी जल्द आ गया है। जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के आने से कैंपेन में एक तरह से नई जान आ गई, आगे जो रोड शो भी करने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा मौका और बड़ा मौका नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई इस पूरे देश में एक उम्मीद पैदा करती है, इस पूरे चुनाव में लोगों में ये उम्मीद पैदा कर रही है कि अब इस तानाशाही का अंत जल्दी होगा। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई इस तानाशाही के अंत की शुरुआत का बिगुल है। सही मायने में आज से चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है, क्योंकि 25 मई और 1 जून आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस चुनाव का बिगुल तो दिल्ली की जनता ने ही फूंक दिया था, पंजाब की जनता ने ही फूंक दिया था। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के लोगों ने मैं भी केजरीवाल का नारा अपना लिया, अपने दिल में बसा लिया। उन्होंने मन बना लिया कि ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल में अगर डालते हैं तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रचार करेंगे, दिल्ली के लोग चुनाव लड़वाएंगे, दिल्ली के लोग चुनाव जिताएंगे। थैंक यू।